गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति व उद्योग बंधुओं के साथ की बैठक। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने के दिए निर्देश। कहा, उद्यमी लगाएं उद्योग, सरकार है आपके साथ। दो गुटों में सरेआम फायरिंग की घटना से मची सनसनी। गोली मारने से पहले सड़क पर हुई मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। एसएसपी ने कहा, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर तलाश है जारी। गोरखपुनी से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, किसानों के फसलों में हुए नुकसान की जाएगी भरपाई। विकास खंड पर जाकर किसान एडीओ एग्रीकल्चर को दर्ज करा सकते हैं अपनी शिकायत, मिलेगा मुआवजा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई धर्म गुरुओं और व्यापारियों की बैठक। कहा, शासन के निर्देशानुसार सभी दुकानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाना है अनिवार्य, जिससे लोगों को कोरोना के प्रति किया जा सके जागरूक। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने राजस्व कर्मियों के साथ की गोरखपुर पहल और अन्य कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। संयुक्त सचिव एनडीएएम गृह मंत्रालय भारत सरकार रमेश कुमार घंटा की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य आपदा मोचक निधि में दिए गए प्रावधानों के आधार पर प्रदेश सरकार को प्रेषित बाढ़ मेमोरेंडम संबंधित कार्यशाला का आयोजन, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने आम जनमानस से की अपील। कहा, लक्षण दिखने पर अवश्य कराएं कोरोना का निःशुल्क जांच। गोरखपुर में सोमवार को कोरोना के मिले 106 नए संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 14,121। अब तक 209 कोरोना संक्रमित मरीज की हो चुकी है मौत। एक्टिव मरीज हुए 1472। सीएमओ डॉक्टर श्री कांत तिवारी ने की पुष्टि। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर गोरखपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, जताया विरोध। राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा सिटी मजिस्ट्रेट को। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना जांच शिविर पर ड्यूटी कर रहे राजस्व कर्मियों की बैठक। कहा, अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करके बढ़ाएं कोरोना जांच की संख्या। खजनी पुलिस ने पास्को एक्ट में वांछित एक अभियुक्त पिंटू गौड़ को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए किसान बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन, बिल को रद्द करने की मांग।